ये कहानी है एक बूढ़े सांप की। एक जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था। जब वह जवान था वह बहुत रोब जमाता था, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों को ढाल देता है और वह बहुत कमजोर हो गया था। अब तो पेट भरने के भी लाले पड़ गए थे। कभी तो उसके ऊपर चूहे कूदे और कभी उसके ऊपर चींटियां चढ़े और वो बेचारा बूढ़ा सांप कुछ नहीं कर पाता। खाने की तलाश में वो जंगल में इधर से उधर घूमता और अपने खाने के लिए परेशान रहता। अब तो भूख से उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा। फिर एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा भूख से, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। उसने सारे जंगल में ढूंढ लगाई कि किसको मैं अपने जाल में फंसा सकता हूँ। उसने देखा एक पेड़ की डाली पर एक प्यारा सा छोटा बंदर बैठा है। उस सांप ने उसे देखकर कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बंदर ने उसको चौंक कर देखा और बंदर उससे बोला, तुम तो हमारे दुश्मन हो और अब हमारी जय क्यों कर रहे हो? सांप गिड़गिड़ाया और बोला, नहीं नहीं सरदार, मैं तो वो पुरानी बातों को। सांप बोला, नहीं नहीं सरदार, अब तो मैं उन बातों को भूल चुका हूँ। आप तो बहुत दयालु हैं, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं सरदार, क्या मैं आपको अपना दुश्मन समझ सकता हूँ? मैं तो बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे अच्छे बंदर को मेरे सामने खड़ा करा भगवान ने। बंदर तो बहुत खुश हुआ। बंदर उससे बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बोलो क्या मदद करनी है? सांप बोला, क्या आप मेरी वाकई मदद कर सकते हैं सरदार? बंदर ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? सांप बोला, ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ आपको अभी। तो सुनिए सरदार, इस जंगल में एक तपस्वी आया था। वो जब तपस्या कर रहा था तो मैं उसके पैर के पास पहुंच गया और धोखे से उसका पैर मेरे सर पे लग गया। जब मैं दबा तो मैंने उसको काट लिया। सरदार, उसने मुझे श्राप दिया कि वो मुझे पत्थर का बना देगा। मैं बहुत गिड़गिड़ाया। मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी। मैंने उससे बोला, मुझे कोई उपाय दिए महाराज, मैं कैसे बच सकता हूँ? तो सब तपस्वी ने मुझे एक उपाय दिया। वो उपाय ये था सरदार। हाँ हाँ बोलो, क्या उपाय था? सरदार वो उपाय ये था, सरदार वो ये था कि अगर मैं किसी बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर इस जंगल की सैर करवाऊंगा तो मैं श्राप से बच जाऊंगा। क्या आप मेरी पीठ पर बैठ सकते हैं सरदार और मुझे श्राप से बचा सकते हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, चलो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठता हूँ। अब जैसे ही बंदर सांप की पीठ पर बैठा तो सांप ने उस बंदर को पकड़ लिया और उसको अपने फन से जख्मी कर दिया। तो अब इसका मॉरल ये है कि हमें किसी को भी ऊपर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, उसके बाद हमें भरोसा करना चाहिए। और इस सबसे उस सांप को खाने का इंतज़ाम हो गया।